हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का थ्योरी का क्लास, और जो है कंपनी ला से स्टार्ट। ओके, कंपनी अधिनियम के लिए हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जिस तरह से बीकॉम पार्ट वन में आपने देखा कि हमारे चैनल पर कितनी सरल रूप से थ्योरी दी गई थी, जो इंपॉर्टेंट्स आपके लिए बताए गए थे वो ही सब कुछ पेपर में आए। जब भी आपके हम कमेंट्स पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हाँ, हमारी जितनी भी मेहनत है सारी की सारी वसूल हो गई। आपका तो करियर बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें कितनी संतुष्टि मिलती है ये हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। तो उन सभी स्टूडेंट का आभार जो हमसे पुराने समय से जुड़े हुए हैं, लंबे समय जुड़े हुए हैं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए यहां पर मैं अपना नंबर दे दूंगा, और वो लोग अगर सेकेंड ईयर में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बीकॉम पार्ट वन में अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो, कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आई हो, सही टीचर नहीं मिल पाया हो, सही से क्लासेस नहीं मिल पाए हो, कॉलेज में सही से पढ़ाई नहीं हो पाई हो, तो सेकेंड ईयर में सुधार लीजिए, क्योंकि अगर सही से मार्किंग नहीं बन पाई तो समझ लीजिएगा जिंदगी खराब है। तो अभी बहुत अच्छा मौका है कि हम बीकॉम सेकेंड ईयर में कवर कर लेंगे और थर्ड ईयर में कवर कर लेंगे, 100% कवर हो जाएगा। ओके, तो जो लोग नया जुड़ना चाहते हो 9719811101 आप इस वीडियो को देखिए, और इसके आगे की सारी वीडियोस को देखने के बाद में तब डिसीजन लीजिएगा, और जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। तो आइए समझाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कंपनी ला के लिए। पूरी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस तरह से समझाऊंगा कि कंपनी ला और जितने भी आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स हैं बहुत इजीली आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए समझाते हैं और स्टार्ट करते हैं कंपनी ला के लिए। कंपनी ला का श्री गणेश करते हैं। कंपनी का क्या अर्थ है ये समझने से पहले हम बात करते हैं कंपनी का परिचय की, क्या होती है कंपनी। इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, अगली वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ छोटी सी झलक जरूर बताऊंगा। देखो, कंपनी के जब परिचय की बात आती है तो परिचय कहां से हुआ, कंपनी की शुरुआत कहां से है, आपकी जान पहचान कंपनी से कैसे कराई जाए। कंपनी जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, और कंपनी को हिंदी में अगर हम कहें तो समूह कहते हैं, जो आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा लगेगा, समूह, ग्रुप। तो कंपनी क्या है? कंपनी कई लोगों का ग्रुप है, लेकिन इसका अर्थ इस तरह से नहीं लिखा जाएगा पेपर में। पेपर में अर्थ इसका किस तरह से लिखोगे ये भी अभी पता चलेगा, लेकिन कंपनी के बारे में समझ लो। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लोग सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं। सुबह सुबह का मतलब है कि मॉर्निंग 4 बजे से लेकर के, हो सकता है आप 8 बजे निकलते हो, 9 बजे निकलते हो, 10 बजे निकलते हो, 11 बजे निकलते हो, बहुत सारे लोगों को देखते हो, और देखने के बाद में अगर आपके लिए वही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंप्रेस्ड करती हैं जहाँ आपकी नज़र होती है, ठीक उसी प्रकार से जो लोग व्यापार करना चाहते हैं तो वो अपनी नज़र को जमाते हैं कि कौन कौन कैसा कैसा व्यापार कर रहा है, और वो देखते हैं कि अच्छा ये सुबह सुबह एक फैक्ट्री जिसका माल उतर रहा होता है, बोले अच्छा ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही, उसके दिमाग में आता है कि मैं कंपनी व्यापार करूंगा, और जब कंपनी व्यापार करूंगा तो वो क्या है कि कई लोगों से इस बात को डिस्कस करता है कि मैं कंपनी व्यापार करूंगा, तो कुछ लोग हैं उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी बनाते हैं, ए इसकी औकात, लेकिन घर नहीं संभल रहा है इससे कंपनी संभालेगा। लेकिन उसके अंदर जो प्रश्न उठा, जो झलक उठी, वो ही कंपनी को जन्म देती है। वो व्यक्ति प्रमोटर कहलाता है, प्रोमोटर कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है। तो कंपनी का जो जन्म होता है इसी तरह से होता है, एक व्यक्ति की कंपनी नहीं होती है। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 जो आया है उसमें एक व्यक्ति कंपनी भी है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हमको ये समझना होगा कि कंपनी वास्तव में है तो है क्या, अर्थ किस तरह से इसका लिखेंगे। ओके, तो जो व्यक्ति बेटा इस तरह की बातें सोचता है वो ही जीवन में कभी ना कभी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तमाम लोगों से मिलता है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हिम्मत आती है, और हिम्मत आती है तो एक बड़ा सा व्यापार स्थापित करता है, और इस बड़े से व्यापार में बहुत सारे लोग साथ में होते हैं जो कि आपको पता है कि ग्रुप बन चुका है, यानी समूह बन चुका है। तो वो समूह जो है उसको जब कानूनी पैजामा पहना दिया जाता है, कानून के द्वारा जब उसे रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, ऐसी संस्था को हम कंपनी कहते हैं। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी अलग पहचान होती है, जिसकी अपनी एक सदस्यता होती है, जिसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है, यानी मोहर होती है, और कंपनी अपने समस्त कार्य संचालकों से कराती है। ऐसी संस्था को, ऐसे कृत्रिम व्यक्ति को, ऐसी व्यापारिक संस्था को हम कंपनी कहते हैं। कंपनी कभी भी बेटा जनता के हित में काम तो करेगी, लेकिन सबसे पहले अपने हित में काम करेगी। अपने हित का मतलब है कंपनी की स्थापना ही व्यापार के लिए होती है, और व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और दूसरों की सेवा करना है।
तो इस तरह से एक ऐसा समूह जो बहुत बड़ी पूंजी के साथ में काम करता है, रजिस्टर्ड है और उसके अपने कुछ अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। तो इस वीडियो में केवल मैं परिचय करा रहा हूं, थोड़ा सा अर्थ बता रहा हूं और बाकी जो अगली वीडियोज क्रम से आती हुई चली जाएंगी बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपके लिए कि किताब से पढ़ने की भी कहीं जरूरत है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा में किसी के शब्द मत बदलना। पहले हम भी सोचते थे कि कॉपी चेक करने वाले को परिभाषा याद होगी, वहां पर जो कॉपी चेक करते हैं उनको सारी परिभाषाओं का पूरा पूरा अनुमान होता है कि हाँ इसमें शब्द तो नहीं बदले। देखो एक परिभाषा यहां पर मैंने एलएच हैने महोदय की दी है और यह बहुत ही सरल परिभाषा, इसलिए मैंने यहां लिख दी है, वैसे मैं लिखता नहीं। इन्होंने कहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब एक इंसान। तो यहां पर एक कृत्रिम शब्द इन्होंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो कि कृत्रिम व्यक्ति है, ओके, लेकिन आप मत लिखिएगा, आप ऐसा ही लिखिएगा, मैं समझाने के लिए कृत्रिम लिख रहा हूं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक स्थायी अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है पहचान, यानी जैसा कि मैंने कहा था कि एक व्यक्ति घर से निकलता है और वो तमाम लोगों से बात करता है, वो मर जाएगा तो क्या कंपनी नहीं चलेगी? चलेगी कंपनी और लोग मिलकर के चलाएंगे। तो कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है और जिसके पास में सार मुद्रा होती, सार मुद्रा कहते हैं मोहर के लिए, कॉमन सील के लिए, जिस पेपर पे अगर कंपनी की मोहर लग गई वो वैलिड हो गया, यानी उस पर किसी का हस्ताक्षर ना हो, अगर कंपनी की मोहर लगी हुई है तो समझ लीजिएगा कि वो जो पेपर है वो कंपनी द्वारा वैध पेपर हो जाता है। तो इस तरह से कंपनी की पहचान ही सार मुद्रा से होती है, यानी वो इंसान तो है नहीं जो मुंह से कुछ कहे, लेकिन जहां कंपनी की सील लग गई वो बताती है कि हाँ ये कंपनी द्वारा जारी है। अब सील कहां लगेगी? जहां डायरेक्टर चाहेंगे, जहां कंपनी के संचालक चाहेंगे। तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। तो कंपनी का जो अर्थ है और परिभाषा है ये यहां पर थोड़ा सा एक स्टार्टिंग है और इसी वीडियो के लास्ट में आपके लिए पूरा लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, नहीं तो लास्ट तक देखोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आगे के सारे वीडियोज मिलते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर आज के वीडियो में कंपनी का एक परिचय, कंपनी का अर्थ, अर्थ के बारे में इसी तरह से लिखोगे कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, कंपनी को कानून द्वारा ही तैयार किया जाता है और कानून के द्वारा ही इसको समाप्त किया जाता है और कंपनी के अपने कुछ विशेष अधिकार होते हैं तथा कर्तव्य होते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया बड़े लोगों का समूह या अधिक लोगों का समूह कंपनी व्यापार कहलाता है। ओके, परिभाषा इसको लिख लोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।